भाव सु कथा करनी है, वा भाव सु कथा सुननी है, वा भाव सु कही और सुनी कथा को दोनों को मिलकर स्मरण करना है। ये एक तरफा खेल नहीं है, क्योंकि बात ध्यान से समझो कि जहां श्रवण की बात बताई थी वहां केवल महाप्रभु जी ने श्रवण नहीं बतायो है, बीज माने बीज भावे दृढ़े तो स्यात् त्यागात् श्रवण कीर्तनात्, वहां श्रवण कीर्तन दोनों बताए हैं। और श्रवण कीर्तन बताए हैं वासो ऐसे मत समझो कि स्मरण नहीं बतायो है, स्मरण वहां उपलक्षण विधि से मौजूद ही है। स्मरण करके ही श्रवण करना है, श्रवण स्मरण करके ही कीर्तन करना है। बिना श्रवण स्मरण किए, श्रवण यदि अपन ने कियो, बिना स्मरण किए कीर्तन यदि अपन ने कियो, तो वो तो क्रिया हो गई, फिर तुम कथा को नहीं जी रहे हो, वो तो क्रिया हो गई सुनने और कहने की। पर जब स्मरण करके श्रवण कर रहे हो, स्मरण करके जब कीर्तन कर रहे हो, और सबसे पहलो स्मरण, सावधानी से फिर से देखो समझो, सबसे पहलो स्मरण ये करने को है प्रभु को, नहीं या बात को कि प्रभु मेरो मेरे साथ नहीं बिराज रहे है, ब्रज पधार गए है, यह बात को सबसे पहले स्मरण करके कथा सुननी है। वो यदि नहीं सुन रहे हो तुम कथा, तो तुमने कहीं ना कहीं कथा पक्ष को जो पूरा स्वारस्य है वो खो दियो, कहने में भी और सुनने में भी। तो वाके लिए उत्सव से बात बता रहे हैं कि विप्रयोग कैसे उत्सव हो जाएगा तुम्हारो, ये जो भगवान से तुम विप्रयुक्त हो, भगवान से तुम विप्रयुक्त हो, वह स्थिति में तव कथामृतम तप्त जीवनम कभी भी रीडितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूई गृणंती ते भूरिदा जना के न्याय सु। ये विप्रयोग में तुमको कथा जो है एक महान उत्सव हो जाएगा, उद्धवा गमने जाता, नहीं तो या में उद्धवा गमन को कोई प्रसंग की आवश्यकता ही नहीं होती यदि भगवत विप्रयोग पे तुम्हारा ध्यान नहीं दीवानो होतो। तो एक बात समझे, गोपिकाएं आपस में कथा नहीं करती थी, युगल गीत क्या है, युगल गीत क्या है, पर वो युगल गीत जो है वो ऐसी कथा है कि शाम को ठाकुर जी दिवसे सहु श्यामा मली, ये वो यशरूप रसरूप तनो यश गाए जी, वासर निर्वाह एम करे सखी सायंकाले पेखे जी। तो वो विप्रयोग जो है वो साइक्लिक साइकिल में आतो विप्रयोग और संयोग है, और ये विप्रयोग कोई दूसरे नेचर को विप्रयोग है, ध्यान से समझो, ऐसा टाइप का विप्रयोग है कि जा विप्रयोग में सेवक अपने स्वामी के साथ जी नहीं पा रहे है, सेवक अपने स्वामी के साथ जी नहीं पा रहे है, भक्त अपने भगवान के साथ भक्ति को जी नहीं पा रहे है, जो जीव है जीवात्मा अपने परमात्मा के साथ अपने भक्तिमय जीवन को जब जी नहीं पा रहे है, तब उद्धवा गमने जाता उत्सव सुमहान्यथा। कितनी खूबसूरत बात है, पे ध्यान दो कि वो विप्रयोग तुमको ध्यान दिलाना चाह रहे हैं कि भाई जो भी कथा हो रही है वो विप्रयोग के तहत करनी है, और जो भी कथा करनी है वो या आशय सु करनी है कि तो उत्सव हो गयो कि अपने को भगवत कथा करने को, भगवत चर्चा करने को एक कोई मैसेंजर तो मिले, भगवान ने अब क्या कहो। रत्नाकर ने बहुत सुंदर यह को वर्णन किया कि हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सबे लगी। जब उद्धव के आवन की वो मन भावन की वो कह के उद्धव के आने की और जब बात चली ब्रज में फैली, तो सब दौड़ दौड़ के वहां जावन सबे लगी, हमको लिखो है कहा, हर बार हर व्यक्ति पूछने लग गई गोपिकाएं कि भाई मेरे लिए क्या कहवाए है, मेरे लिए क्या कहवाए है, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सबे लगी। तो वा तरह सु जब अपन कथा सुन रहे हैं तब अपने को ये देखने को है भाई हमें मेरे लिए कौन सी बात आई, मेरे लिए कौन सी बात आई या कथा में, वो अपना उतना पर्सनलाइज करके या कथा को सुनोगे तो वो कथा नित्य क्रम की कथा होगी, और ये जो साप्ताहिक क्रमन की कथा है वो अब पैरेलल चलती कोई सिस्टम है, वह को पुष्टि मार्ग से कोई उतना संबंध नहीं है, क्लियर। वृंदावने गोकुले वा तथा में मनसिक क्वचित। एक बात और बहुत सुंदर महाप्रभु जी कह रहे हैं भाई, ये अवस्था तो निरोध की जब सिद्ध होगी तब सिद्ध होगी, महतां कृपया यावत भगवान दयिष्यति तावद आनंद संदोह कीर्त्यमान सुखायै। ऐसी होगी कृपा, पर वा कृपा के लायक तुमको थोड़े दिन तो रोनो पड़ेगो, थोड़े दिन तो कीर्तन तुमको करना पड़ेगा, उद्धव जी आवे कि नहीं आवे, यदि तुम रोए नहीं हो, यदि तुमने कीर्तन नहीं किया है खुद ने, तो उद्धव के आने को जो माने उद्धव के आवन को संदेशो मन भावन को वो तुमको मजा ही नहीं आएगी जब तुमने खुद कुछ कीर्तन नहीं किया है,
तो महतां कृपया यावत, महापुरुषन की कृपा से भगवान जब ऐसी दया करेंगे तब करेंगे, पर तब तक तुम क्या करोगे? मतलब ध्यान से समझो कि सेवा तो तुम कर नहीं रहे हो, तो करोगे क्या तुम? कोई चिंता की बात नहीं, नित्य नियम सु तुम भगवत कीर्तन करो, उन भगवत कीर्तन को करो। जब कोई तुमको सुनाने आ जाए, जब कोई तुमको सुनावा आवे, तो हमें उद्धव को भावन करो। बाकी वो आवे तब उद्धव को भावन करो, वो नहीं आ रहे हो तब तक तुम क्या करोगे? कि तब तक अपन टीवी देखेंगे, तब तक अपन वीडियो देखेंगे, तब तक अपन धंधा पे जाएंगे, तब तक ऐसा सिर्फ और फिर कहानी किस्साएं पढ़ेंगे। तो भाई वो कथा पक्ष तो तुम कर ही नहीं रहे हो ना। जो महाप्रभु जी कथा पक्ष कह रहे हैं, वह कथा पक्ष के साथ तुम्हारो कोई कथा पक्ष की कोई तालमेल नहीं है। महतां कृपया यावत भगवान दयिष्यति तावद आनंद संदोह कीर्त्यमान सुखा यही। अरे कह रहे यासु भी गए, गए यासु भी। कैसे? कि महतां कृपया यद्वत कीर्तनम सुखदम सदा। कीर्तन में या तरीके को सुख कौन को मिले? कीर्तन करने में, कीर्तन करने में सबको तो सुख मिले नहीं है। तो कीर्तन करने में सुख मिले नहीं है तो कहें कि नहीं मिले तो क्या करना हो? तो कहें न तथा लौकिकान अंतु स्निग्ध भोज, महतां कृपया यद्वत कीर्तनम सुखदम सदा न तथा लौकिकान अंतु स्निग्ध भोजन रुक्षवत। ये भी जो है बड़ी कृपा से ये अपने को उपलब्धि हासिल होगी कि जब अपने को ये बात समझ में आएगी कि कीर्तन जो है वो कितनी सुखद घटना है, नित्य कीर्तन करना कितनी सुखद घटना है, ये तो महाप्रभु जी कृपा करें तो अपने को समझ में आवे। नहीं तो अपन यही समझें कि नित्य कीर्तन कोई सुखद घटना नहीं है, तो रूटीन है, रोज गाइए छे, एमां शुं धर्युं छे? आजे कथा नो आयोजन थयो छे, पंडाल बंधायो छे, फेर थनगनते थनगनते हो जाए सब। तो वो भी दूसरी कथा है भाई, वो ये कथा नहीं है। ध्यान से समझे, नित्य तुम कीर्तन करो, करते 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 जब तुमने वाकु नित्य कीर्तन कियो है, तब वह नित्य कीर्तन की जो साधना को भाव तुम्हारो दृढ़ भयो विप्रयोग को कीर्तन करते करते, तब यदि कोई तुमको कथा सुनावे आयो है, वहां में उद्धव जी की भावना करके तुम यो समझो कि भाई ये सुनाने आयो, अपन अभी तक की कर रहे थे कीर्तन, अब ये कीर्तन सुनाने आयो, तो वहां में उद्धव की भावना करके कथा सुनो, उतने आह्लादित हो जाओ। ये पाछो विप्रयोग में पैदा भयो एक तरह को आंतर संयोग है। ध्यान से समझो, महाप्रभु जी ने या बात को भ्रमर गीत में बहुत सुंदर शब्दन में बताया है कि अंतर निष्ठा विरहो वा तासाम अवस्था द्वयमेव भवती। या तो वो कभी अंतर्निष्ठ हो जाए, माने लीला के अनुसंधान में अंतर्निष्ठ हो जाए, और जब अंतर्निष्ठ नहीं हो पावे तो उनको बाह्य जो भगवत विप्रयोग है वो उनको सतातो रहे, या तरीके को चक्र जा वक्त चले है, तब धीरे धीरे से उद्धव के आने की सचमुच में कीमत सच्चो एप्रिशिएशन तुमको हो पाएगो। और यदि या तरह से तुमने कीर्तन को जियो नहीं है नित्य क्रम सु, और तुमने नैमित्तिक क्रम ही केवल जियो, तो कुछ न कुछ जैसे मनोरथन को सेवा में कौभांड हो गयो, ऐसे सप्ताह को कौभांड कथा में हो गयो है। ये बात ध्यान से समझ जाओ, सेवा में मनोरथ बहुत अच्छी चीज है चमत्कार पैदा करने के लिए, पर वो मनोरथ कौन के लिए फायदेमंद है? जाने नित्य सेवा करके सेवा को व्यसन बनायो वाके लिए फायदेमंद है, जाने नित्य सेवा को व्यसन नहीं बनायो वाके सेवा को भाव को खंडित करने वालों मनोरथ होवे। ये बात ध्यान से समझो, क्यों? कि हर वैष्णव को पूछ के देखो कि मनोरथ देखते ही वो ध्वस्त हो जाए कि आवा मनोरथ हमें क्यों रीते घर में करिए, बस भाई सेवाएं छुटी जाए। केसर ना हिंडोला छप्पन भोगना मोटा मोटा लाड़वा मटकी जेटला लाड़वा क्या थी लावीए, न लावी एटले सेवा बंद। ऐसे वो कोई उद्धव जी आ गए कुछ कथा सुना दी, आवी कथा हमें केवी रीते करिए, बस कथा बंद। ये देखो एग्जैक्ट वैसे पैरेलल चल रहे हो कि जैसे मनोरथन ने जो बहुत पुष्टि मार्ग में भक्ति को सेवा को चमत्कार पूर्ण बनाने के लिए प्रयुक्त किए गए, वासु सेवा को तोड़ी गई। ऐसे जो वो उद्धवागमन की जो एक चमत्कृति होती कि कोई भगवती अपने घर आयो, अपन कोई पंडाल में कथा सुनने गए ऐसे नहीं, कोई भगवती अपने गांव आयो अपने घर आयो, वासु अपन ने कथा सुनी, वामे उद्धव के भाव करके कि आज भगवत संदेश हमको आयो है, वो उत्कंठा के हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, कहन सवे लगी, वो जो भाव आया वो भाव
कब सिद्ध होएगो कि जब महतां कृपया यदवत कीर्तनम सुखदम सदा न तथा लौकिक आनंद स्निग्ध भोजन रूक्षवत। जो लौकिक व्यक्ति है जाने या कीर्तन प्रणाली को आनंद ही नहीं लियो वाकु कथा को क्या वंध्या सु जाने प्रसवनी पीड़। वह एग्जैक्ट वही स्थिति होगी। सच्चो जो महाप्रभु जी को अभिप्रेत कथा को स्वाद है वो अपने को कभी नहीं मिल सके। यदि तुमने नित्य कीर्तन नित्य प्रणाली को कीर्तन अपने घर में नहीं किया है तो नैमित्तिक कथा प्रणाली तुम्हारे कीर्तन को खंडन करने वाली ही होगी। या के लिए सबसे आवश्यकता जब तुम सु सेवा नहीं निभ रही है तब नित्य कीर्तन प्रणाली कथा प्रणाली को एक आग्रह पनपाओ। वो आग्रह पनपाओ फिर कभी कोई तुमको कथा सुनाने आयो तो वो तुमको जो है वो उद्धवागमने जाता उत्सव सुमहान यथा वो नैमित्तिक कथा प्रणाली वाद बखत तुमको कुछ कारगर होगी। जैसे नित्य सेवा क्रम तुम निभा रहे हो तो वाकी रोचकता मनोरथ सु बढ़ जाएगी। तो जो वो व्यसन को जैसे रोटी और शाक या जैसे रोज की दाल भात रोटी शाक और कोई दिन ढोकला फाफड़ा को स्वाद वो जो है वो चमत्कार और जो है वो स्वास्थ्य दोनों तुमको निभेगो कि जासु तुम न तो तुम विरस हो पाओ और न तुम जो है वो रोगी बन जाओ नित्य एक्साइटमेंट के चक्कर में फंसने के कारण। एक्साइटमेंट कभी कच्छो रोज अच्छो नहीं, यह बात को ध्यान समझो। क्योंकि नित्य जो एक्साइटमेंट में जीना चाहे है नित्य जो चमत्कार में जीना चाहे है वो कभी वफादार पति नहीं हो सके, वो वफादार पत्नी नहीं हो सके। नित्य नए गोपीकांत को खोजने वालों गोबा कभी रास लीले का तात्पर्य नहीं हो सके, वो कोई भास लीले का तात्पर्य हो जाएगा। ये बात समझना चाहिए। अपनी पत्नी के साथ अपन जिएंगे, अपने पति के साथ अपन जिएंगे तो वो नित्य को जो अपन ने कैसा संयम रखियो तो नित्य को संयम रखियो तो अपन कोई की खूबसूरती को देख के समझ भी पाएंगे भाई कितनी खूबसूरत है। अपन ने अपनो तो निभाया ही नहीं, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, वो चक्कर हो जाएगा पैदा। तो वो बात अच्छी नहीं है बिल्कुल। ध्यान से समझो कि जाने घर में जीनो नहीं आयो वाकू कहीं बाहर गांव घूमने को मजा क्या आएगो। जाकु घर में ही जीनो नहीं आयो बाहर गांव घूमने को मजा कैसे ले पाएगो। घर में रहो, घर में रहो, 7 दिन घर में रहो, 8वें दिन कहीं घूमने गए रविवार को तो तुमको पिकनिक को मजा आएगो। घर में तो तुम रहे ही नहीं, नित्य सेवा तुमने निभाई नहीं, मनोरथन के चक्कर मारते हो गए, नित्य कीर्तन तुमने नित्य कथा तुमने की नहीं, सप्ताह में रखड़ते हो गए, तुमको न कथा को आनंद है न तुमको सेवा को आनंद है। तुम दोनों तक जगह सु मिदई तो इश्करा नाला है कि दोनों इतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट हो गए। यह बात को समझो। तो न तथा लौकिक आनंद तु स्निग्ध भोजन रूक्षवत गुण गाने सुखावाप्ति गोविंदस्य प्रजायते यथा तथा शुकादीनाम नैवात्मनि कुतोन्यत। तुम समझ रहे हो कि हम कीर्तन करेंगे, हम कीर्तन करेंगे वहां में क्या सिद्ध होने वालों है, हमारो भाव कितनो। अरे पर तुमने कभी गोविंद के गुण को समझे हैं कि गुण गाने सुखावाप्तिर गोविंदस्य प्रजायते। गोविंद कितनो प्रसन्न हो रहे हैं यदि तुम कीर्तन कर रहे हो, वाके गोविंद तुम्हारे हृदय में आके विराह जा रहे हो। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद नाहं वसामि नहि वैकुंठे योगिनां हृदय तथा। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। गोविंद तुम्हारे पे इतना प्रसन्न है, तुम वापे प्रसन्न नहीं हो, तुम वापे अप्रसन्न हो, तुम कोई कथाकार पे प्रसन्न हो, तुम कोई महाराज पे प्रसन्न हो करके तुम वाकू नित्य अपने साथ बसाना नहीं चाह रहे हो करके ये सारे लफड़ा हो गए। तो तुम ये बात ध्यान से समझो कि जब तुम भगवत कथा नित्य कीर्तन के क्रम से कर रहे हो तो गोविंद तुम्हारे पे प्रसन्न है करके तुम नित्य कथा कर पा रहे हो। गोविंद यदि प्रसन्न नहीं है तो तुम नित्य कीर्तन कथा करी, गोविंद अप्रसन्न है तो तुम नैमित्तिक कथा में उलझे रहोगे। गोविंद प्रसन्न है तो तुम नित्य कथा में उलझे रहोगे, गोविंद प्रसन्न है तो तुम नित्य सेवा करोगे, गोविंद अप्रसन्न है। जैसे वादिन मैंने तुमको बताया तो कि ये याता कि मैं कोई प्रधार्य हृदय पूर्वं गताय होते, कभी कभाग तुमसे मिलना चाहे गोविंद तो तुम कभी कभाग मनोरथन के दर्शन कर आ रहे हो। गोविंद तुम्हारे सुनित्य तुम्हारे साथ जीना चाहे तो तुम गोविंद की नित्य सेवा कर रहे हो। गोविंद तुम्हारे हृदय में नित्य बसना चाहे तो तुम गोविंद के नित्य कीर्तन कर रहे हो। और कभी कभाग गोविंद तुम्हारे हृदय में आना चाहे, वो जैसे अभी वहां बतायो ना पंचलक्षणी में, वही बस ध्यान कर लो तो बराबर बात समझ में आ जाएगी। कि पूर्ण भावे न पूर्णार्था कदाचिन न तु सर्वदा अन्यासक्तास्तु ये केचित अधमा परिकीर्तिता।
तो गोविंद तुमको अधम मान रहे हो, तो तुम गोविंद को इतना अधम मान रहे हो कि नित्य कीर्तन नहीं कर रहे हो वाक्य। यदि गोविंद तुम्हारे लिए उत्तम है तो तुम गोविंद को नित्य कीर्तन करोगे, तुम अन्य आसक्त नहीं हो। तो यदि तुम गोविंद को इतना उत्तम मान रहे हो तो तुमको नित्य कीर्तन पारायण, नित्य कथा पारायण होना पड़ेगा, यदि तुम नित्य भगवत सेवा पारायण नहीं हो पा रहे हो। तो ये खास सिस्टम की एक बारीकी अब बात को समझो तो सारी बात समझ में आएगी। और वाके लिए ऐसे मत समझो कि तुम कीर्तन कर रहे हो तो वहां में कोई न्यूनता है, वहां में कोई त्रुटि है, कोई भगवदी के मोहसुई तुमने सुनियो कीर्तन तो ही बड़ी ऊंची बात है। नहीं नहीं, तुम गुणगान कर रहे हो कि हरि गोविंद को, गोविंद तुम्हारे पे प्रसन्न है, यासु यासु बड़ो, तुम्हारे सामने कोई प्रमाण होना नहीं चाहिए कि तुम नित्य कर पा रहे हो कि नहीं हरि कथा, तुम नित्य कर पा रहे हो कि नहीं हरि को गुणगान। बस यासु ज्यादा हरि की प्रसन्नता, यासु ज्यादा हरि तुम्हारे हृदय में बिराजे, वह को प्रमाण तुम्हारे लिए और क्या होना चाहिए। गुणगाने सुखावाप्ति गोविंदस्य प्रजायते यथा तथा शुकादीनाम नैवात्मनि कुतोन्यता। पर ये बात होगी कब? क्लिश्यमानान जनान दृष्ट्वा कृपायुक्तो यदा भवेत् तदा सर्वम सदानंदम हृदिस्थम निर्गतम भई। जब तुम क्लेश अनुभव करोगे कि तुम कुछ मिस कर रहे हो, तुम भ्रमण में जियोगे जा वक्त कि तुमको कोई क्लेश ही नहीं है, बड़ा आनंद आ रहा है। जब अपन कोई नित्य की स्वस्थ खुराक को खाने को कोई क्लेश ही अनुभव नहीं कर रहे हो दिन रात, या रेस्टोरेंट सुबह रेस्टोरेंट में, या भेलपुड़ी सुबह भेलपुड़ी में, तो इसे भेलपुड़ी के चक्कर में तो पेट बिगाड़ने को ही चक्कर है, वहां में कोई स्वास्थ्य नहीं बिगड़ेगा, जीभ को चटकारा तुम ले रहे हो, पर जो स्वास्थ्य है दिन ब दिन तुम्हारा